वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 की इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो है वन बाय वन पहले ऑनवेल का एंड देन स्नैपशॉट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि आप उन सारे क्वेश्चंस को कर ले जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और कहीं आप उनको छोड़ ना दें और आपसे गलती ना हो जाए। तो इसलिए मैं बहुत ही एनालाइज के बाद पता करके आई हूँ कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर साल जो है रिपीट हो रहे हैं बार बार, ताकि आप उन क्वेश्चन को तो कम से कम स्किप ना ही करो और अल्टीमेटली उसको तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले जाओ। तो यहाँ पर हम फटाफट से देख लेते हैं अपने चैप्टर्स को। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। कई बच्चों को ये भी मैं बता देना चाहती हूँ कि जो आपका सिलेबस है उसमें से कुछ जो चैप्टर है वो रिमूव कर दिए गए हैं, जिसमें से कि है आपका द एडवेंचर, जिसको हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, एंड फादर टू सन वाली जो पोएम थी वो भी हटा दी गई है। तो इसी के साथ हम देख लेते हैं कि जो चैप्टर रिमेनिंग है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप टिक मार्क लगा सकते हैं। तो आपको अपनी बुक को खोल लेना है, एनसीईआरटी की बुक या जिस भी आपके पास आपने ली हुई हो, ये तो कैपिटल की बुक है, तो आपके पास जिस भी ब्रांड का बुक होगा उसको खोल लीजिए फटाफट से, वरना ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगी। तो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम इस चैप्टर में देखें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने हैं। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसको आप बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। देन आपको करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को भी आपको कर लेना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर में से अगर आपको एनसीईआरटी को क्वेश्चन करना है तो बस इतनी ही क्वेश्चन करिए, और चैप्टर को एक बार थॉरली पढ़ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही अगर बात करें ये फोटोग्राफ पोएम में, तो बस आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड किसी भी तरीके से एक बार पढ़ लो। यहाँ पे तो आंसर भी दे रखा है, आप चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, तो आपकी मर्जी है, वरना अपने बुक में टिक मार्क कर लो उसके बाद पढ़ लो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट चैप्टर पे आइए, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। सो इस चैप्टर में से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि काफी बार एग्जाम में आया है, मतलब डायरेक्टली तो कई बार नहीं आता है, यू नो इसी से छोटे मोटे क्वेश्चन बना के एग्जामिनर दे देता है, क्योंकि उसको पता है कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन हमने दिया था। एग्जैक्टली नहीं आएगा बट घुमा के जरूर आएगा, और आपको बल्कि अगर ये क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो पूरे चैप्टर की क्लैरिटी भी बन जाएगी, और थोड़ा सा आपको वर्डिंग समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे को कैसे अपने एग्जाम्स में अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको कर लेना है, और यहाँ पे टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में जो है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वो भी आपको साथ में कर लेना है। दैट्स इट, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस। तो इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट आपको कर लेना है। वही अगर यहाँ पे बात करें हम जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है उसका सिर्फ सेकेंड पार्ट ही आप लोग करेंगे, और सारे पार्ट बकवास हैं जो कि आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वही अगर बात करें हम जो पोएम है द लेवर्नम टॉप, इसमें से आपको करना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप ऑफ द सोल में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सन सुई। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता रहता है, तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत 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 अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट आ जाइए द वॉइस ऑफ द रेन, इसमें आपको करना है व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मींस। बस ये वाला क्वेश्चन कर लेना, बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल। ओके, तो ये द एलिंग प्लैनेट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर लेना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेना है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लेना है। ओके, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा, द ब्राउनिंग वर्जन। ठीक है, द ब्राउनिंग वर्जन सिलेबस में रिलेटेड भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, द ब्राउनिंग वर्जन हमारे सिलेबस में, द एडवेंचर एंड फादर टू सन हमारे सिलेबस में नहीं है। ब्राउनिंग वर्जन में अगर हम देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यहाँ पे ब्राउनिंग वर्जन की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कर लेना है, दैट्स इट, बस इसके अलावा ब्राउनिंग वर्जन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चाइल्डहुड वाली जो पोएम है, चाइल्डहुड वाली पोएम में बस ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको कर लेना है। एडवेंचर वाले चैप्टर की बात करें, तो वो तो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो उसको तो आप स्किप ही कर दें। ठीक है, सिल्क रोड पे आ जाते हैं, सिल्क रोड में आपको करना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वही ब्रीफली कमेंट ऑन में आपको करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, द पर्पज ऑफ द ऑथर वाली जर्नी वाला क्वेश्चन, माउंट कैलाश वाला क्वेश्चन, यहाँ पे जो है आपको इसका थर्ड क्वेश्चन भी कर लेना है, द ऑथर्स मीटिंग विद नॉर्मू, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको कर लोगे। फादर टू सन वाली पोएम हट चुकी है, बस
इतना ही करना है आपको और इसी के साथ जो है आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बुक की तरफ जो कि है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन कौन से चैप्टर हट गए, सबसे पहले जान लो द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड एंड द टेल ऑफ द मेलन सिटी, ये दोनों चैप्टर हटा दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स वाला जो चैप्टर है उसमें आपको क्या करना है, आपको कर लेना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, साथ ही में आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ओके बस और कुछ भी मत करना। द एड्रेस वाले में क्या करना, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेना और बस चैप्टर को थोरली प्लीज एक बार पढ़ लेना या समरी पढ़ लेना इस टाइप का कुछ, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। रंगाज मैरिज की अगर हम बात करें, रंगाज मैरिज में आप लोग क्या करेंगे, रंगाज मैरिज में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को कर लेना और कुछ भी मत करना। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाले चैप्टर में क्या करना है, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको कर लेना है। मदर्स डे वाला जो है, मदर्स डे अगर उसकी बात करें कि उसमें आपको क्या करना है, मदर्स डे बहुत 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 लंबी एक ये नाटक टाइप है, इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो बस इसका समरी पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कर लेना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड की अगर हम बात करें, सो द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड जो है हटा दिया गया है, सीधा बर्थ पे चलते क्या फ़ायदा है ना, सीधा बर्थ पे चलते। तो जो वर्थ है उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेना है और क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेना है, ठीक है। बस इतना ही करके जाना है और कुछ खासा करने की ज़रूरत नहीं है, काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आंसर जो है अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। और एक और बात जो बताना चाहूँगी कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, आपने अपने फ्रेंड से पूछा उसने नहीं बताया, तो कई बच्चे इस केसेस में क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ के आना है, आपने जो भी पढ़ा है जैसा भी पढ़ा है कुछ तो याद होगा, कुछ भी याद नहीं तो कुछ तो लिख के आओ। अगर आप कुछ भी लिख के आओगे ना, इंग्लिश का टीचर यू नो आंसर भी ध्यान से नहीं देखता, कई सारे जो टीचर होते हैं, कई सारे देखते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, बट मोस्टली टीचर जो होते हैं नहीं देखते आंसर कि क्या लिखा हुआ है बच्चे ने, बस थोड़ा बहुत देखा ठीक है। मतलब कई टीचर चल दया से भी दे देते हैं कि चल आधा नंबर दे ही देते हैं, एक नंबर दे देते हैं, तो उससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना, आर्टिकल नहीं आ रहा कुछ तो लिख के आओ। और बल्कि मैंने एक आर्टिकल डाला अपने चैनल पे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से देख लेना, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी आर्टिकल आएगा ना उसी को चिपका के आ देना, अगर कुछ पढ़ लेना पड़े तो, ठीक है। तो ये फ्रेंड यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।